त्रिदंडी चिन्नाजीयर स्वामी जी, डॉक्टर जे रामेश्वर राव मुख्य ट्रस्टी, श्री सी लक्ष्मण राव अध्यक्ष जीवा, मेरे साथी सांसद और तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान बंडी संजय कुमार जी, और आज देश भर से अनेक मत अनेक संप्रदाय के यहाँ पधारे हुए सभी संतगण, सभी आचार्यगण, आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करकर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। स्वामी जी की विनम्रता कई बार क्षोभजनक कुछ लोगों के लिए हो जाती है। उन्होंने कहा कि महान स्मारक जो रामानुजाचार्य का उनके जीवन की कल्पना और जीवन के कर्तृत्व से बना है, मेरे आने से लोगों को आने की यहां प्रेरणा होगी। स्वामी जी, संतों का स्वभाव होता है सूक्ष्म लोगों को बढ़ाई कर बड़े करना, परंतु मैं जानता हूं यहां आकर मैं आज चेतना और उत्साह दोनों को प्राप्त कर मेरे जीवन में आगे बढ़ने वाला हूं। इस प्रकार के जो महापुरुषों के स्मारक होते हैं, वो जिनके अंदर संवेदना होती है, धर्म के लिए समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा होती है, इच्छा होती है, ऐसे लोगों को अनेक सालों के सालों तक काम करने की चेतना और उत्साह देते हैं। और मैं बड़ी विनम्रता से स्वामी जी आपको कहना चाहता हूं, आप युगों तक ऐसे अनेक धर्म अनुरागी लोगों को प्रेरणा और उत्साह, आपका ये भगवत रामानुजाचार्य का जो स्मारक बनाया है वो देता रहेगा। पूज्य संतगण यहां उपस्थित है, मैं इस सबके भी कहना चाहता हूं कि कोई भी मत कोई भी संप्रदाय के अनुयायी हो, वो सभी को एक बार यहां आने की प्रेरणा इसलिए देनी चाहिए कि अंततो गत्वा सनातन धर्म की शरण में ही सबके उद्धार का मूल बसा हुआ। रामानुजाचार्य के जीवन के 1000 साल, उनकी सहस्त्राब्दी, इसका इससे बड़ा उनके काम को कोई भावांजलि भी नहीं हो सकती, स्मरणांजलि भी नहीं हो सकती, कार्यांजलि भी नहीं हो सकती। रामानुजाचार्य के जीवन को, उनके संदेश को, सब जीव एक समान है, वेदों के मूल वाक्य को उन्होंने समय की गर्त से बाहर निकालकर अपने कर्तृत्व से किसी की भी लिए कटु कुछ बोले बगैर अनेक परंपराओं को तोड़ते हुए समाज के बीच में रखा, उसको प्रस्तावित किया, और आज 1000 साल के बाद भी न केवल भारत, पूरे विश्व को वो संदेश दे रहा है। इस स्टैच्यू ऑफ इक्विटी की प्रतिमा अभी अभी हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और दंडी स्वामी जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ, मैं अभी वहां जाकर आया हूं। अगर दूर से देखते हैं तो ये प्रतिमा दूर से देखते ही अद्भुत, आत्मा को शांति देती है, चित्त को प्रसन्नता करती है और मन को आह्लाद कर देती है, मगर जैसे ही नजदीक जाते हैं और वो हॉल से होकर रामानुजाचार्य का संदेश देश की सभी भाषाओं में सभी मुमुक्षुओं को मिल पाए, इस प्रकार की व्यवस्था जो स्वामी जी ने की है उसको ग्राह्य करते 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 समय निकालकर जब ऊपर जाकर रामानुजाचार्य के विराट मूर्ति का दर्शन होता है, तब मालूम होता है कि हम कितने बड़े महापुरुष को प्रणाम करने के लिए आए हैं। भगवत रामानुजाचार्य ये पूरे देश पूरी दुनिया के लिए इक्वालिटी का, समता का जो संदेश दिया, वो इस मार्ग के बाद
युगों युगों तक न केवल भारत समग्र विश्व में ये अपना संदेश सनातन धर्म का संदेश फैलाने का काम करेगा, उसका मुझे विश्वास है। भारत के इतिहास को महाभारत के पहले से लेकर रामायण काल से लेकर आज तक देखे थे, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं और सनातन धर्म भी काल की अनेक थपेड़ों को खाते 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 अपनी अस्तित्व को बचाते हुए कभी दैदीप्यमान स्वरूप से, कभी आगे आने वाले स्वरूप में जाने के लिए एक प्रकार से कभी काल बाह्य होने बगैर सनातन धर्म भी इसके साथ ही आगे बढ़ता गया। हमने देखा है सनातन धर्म पर जब जब संकट आया, कोई ना कोई आया जिसने सनातन धर्म की ज्योत को प्रज्वलित की, दीप्यमान की और एक ज्ञान यात्रा को समग्र विश्व में आगे बढ़ाया। रामानुजाचार्य भी एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने शंकराचार्य के बाद एक काम को बहुत अच्छे तरीके से किया। आदि शंकर ने ढेर सारे मत मतांतरों को एक करते हुए सनातन धर्म की छत्र छाया में देश को एक करने का, एक छत्री के नीचे लाने का काम किया, और रामानुजाचार्य ने अपने जीवन कवन से पूरे देश को सनातन धर्म के साथ जोड़ने का काम किया। कई सारे कुरिवाज कुप्रथाएं कटु विरोध करे बगैर अपने कर्म से उन्होंने बदली। कई बार मैं जब पढ़ता हूं तब मुझे विचार आता है कि सनातन धर्म में ऐसा क्या है कि जिसकी धारा क्षुण रूप से कालबाह्य होए बगैर बहे ही जाती है। ऐसा क्या है, इसके अंदर अमृत तत्व क्या है। और कई सारे धर्मों का भी अभ्यास करते हैं, जब तुलनात्मक अभ्यास करते हैं तो नजर में आता है कि सनातन धर्म में मैं ही सत्य हूं, ये जड़ता और अहंकार नहीं है। हमारे यहां शास्त्रार्थ की व्यवस्था रही, खंडन की व्यवस्था रही, मंडन की व्यवस्था रही और श्रेष्ठ को स्वीकारने की विनम्रता भी रही, और इसी के कारण सनातन धर्म आगे बढ़ता गया। हो सकता है आज ध्यान से देखने वालों को देखे कि हम काफी पिछड़ गए हैं, मगर ये सारे देश के सभी मतों के संप्रदाय के आचार्य यहां बैठे हैं। आप सभी को देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि यात्रा ना कभी रुकेगी ना कभी थमेगी और फिर से एक बार दिग्विजयी होकर पूरे विश्व के अंदर ज्ञान का प्रचार और प्रसार करेगी। आज मैं जब यहां आया हूं तब इस पवित्र भूमि पर यहां पर जो स्मारक बनाया है और इसके साथ साथ वेद अभ्यास की भी व्यवस्था करी है, वेद की 9 के 9 शाखाओं के अभ्यास शास्त्रोक्त तरीके से हो सके ऐसे विद्यार्थी भी यहाँ से निकलेंगे, पूरे देश भर में फैलेंगे और जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वेद के ज्ञान की सुगंध को, उसकी ज्योत को प्रज्वलित करते जाएंगे।